रमन और शिकार। रमन, आओ परिंदों के शिकार को चले। गोली लगने पर जब परिंदा गिरेगा तो उसे उठा कर लाना तुम्हारा काम है। आहा, एक नजर आया। रमन, जाओ उसे उठा कर लाओ। सर, मैं उसे आसमान से उठा कर नहीं ला सकता। आह, कमबख्त निशाना चूक गया। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, परिंदों का झुंड, फायर करिए, कोई तो गिरेगा। इस बार निशाना नहीं चूका। मैंने आसमान से कुछ गिरते हुए देखा है। यह है अमेरिका द्वारा छोड़ा गया एक उपग्रह है। गप्पू की नींद। कमली, मेरी कमीज के कफ का बटन टूट गया है, जरा एक नया बटन लगा देना। मुंह दूर कर लो, बटन लगाते वक्त कहीं सुई ना चुभ जाए। मेरा पति नींद से जाग नहीं रहा, उसने लुधियाने जाना था। अगर वह जागा नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, उसको उठाने में मेरी मदद करो। हमें मिसेस गप्पू की मदद करनी चाहिए। आओ मेरे साथ। मैंने इसके कान के करीब लगातार कनस्तर बीटा, मगर ये है कि घोड़े बेच कर सो रहा है। उधर गाड़ी का समय हो गया है। कमली, जरा अपनी सुई देना, मैं उसे यह चुभोता हूँ, दर्द से कराह कर ये उठ बैठेगा। ओ, मुझे लुधियाने की गाड़ी पकड़नी है। अब तुम्हारे कफ का बटन नहीं लग सकेगा, चुभी हुई सुई तो गप्पू के साथ ही चली गई। हैं? लाल किले की वसीयत। कमली, बाय। रमन, यहाँ आना। नहीं खलीफा, मुझे दफ्तर को देर हो रही है। रमन, मुझे पता चला है कि हमारे घर में दिल्ली के लाल किले का वसीयत नामा कहीं पड़ा है, उसे ढूंढने में मेरी मदद कर दो। अगर वह मिल गया तो लाल किला हमारा हो जाएगा और हम माला माल हो जाएंगे। ठीक है, मैं इन दराजों में देखता हूँ, तुम उस अलमारी में ढूंढो। वहाँ नहीं मिला, मैं इस चादर के नीचे देखता हूँ, तुम उस स्टोर में देखो। वहाँ भी नहीं मिला, मैं संदूक में ढूंढता हूँ, तुम दूसरी अलमारी में ढूंढो। कामयाबी नहीं मिली, इस कनस्तर में भी देख लूं। मैं इस तिजोरी में देखता हूँ, कहीं नहीं मिला। तुम्हें कैसे पता चला कि लाल किले का वसीयतनामा यहीं कहीं रखा है? रात को मैंने सपने में देखा था। मौलिक अधिकार। रमन, आज क्या छुट्टी है? हाँ। तो आओ फिर शतरंज की बाजी हो जाए। खलीफा, अंग्रेजों की हुकूमत में और आज की सरकार में क्या फर्क है? तब हम किसी दूसरे के गुलाम थे, अब अपनी गवर्नमेंट है, हम एक आजाद मुल्क के बाशिंदे हैं, जो चाहे कर सकते हैं। क्या मैं सारा दिन शतरंज खेल सकता हूँ? बिल्कुल, यह हमारा मौलिक अधिकार है जिससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। रमन, तुम्हारी बीवी तुम्हें सारे मोहल्ले में ढूंढ रही है। मर गई, वो मुझसे काम कराएगी। मैं इस पर्दे के पीछे छिप जाता हूँ। रमन कहाँ है? वह यहाँ नहीं आया। तो क्या शतरंज अकेले खेल रहे हो?
चलो सब्जी काटनी है और घर के सारे जाले उतारने हैं। खलीफा, अभी हमें अपनी मर्जी से छुट्टी मनाने का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। बुरके में। खलीफा, मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हो? मेरी मौगा सिंह के साथ 200 रुपए की शर्त लगी थी कि आज मैं निकाह करके बीवी घर ले आऊंगा, मगर ऐसा ना हुआ। अब शर्त के पैसे मुझे देने पड़ेंगे। घबराओ मत, मैं ये बुर्का पहनकर बैठ जाता हूँ। मोगा सिंह समझेगा कि तुम बीवी ले आए। वाह रमन, सचमुच तुम आड़े वक्त पर काम आने वाले यार हो। अम्मा अब्दुल इधर कहाँ? बेगम को अलीगढ़ ले जा रहा हूँ। गाड़ी आने में देर थी, सोचा तुमसे मिलता चलूं। आह, मिलकर दिल खुश हो गया। अलविदा। मोगा सिंह, हमारी बेगम से मिलो। मुझे शक है, बुर्का उठा कर देखूंगा। कहाँ जा रहे हो? स्टेशन। अगर अलीगढ़ की गाड़ी छूट गई तो गजब हो जाएगा। कुत्ते की सैर। रमन, मेरे कुत्ते टाइगर को जरा सैर करा लाओ। यार रमन, कहाँ जा रहे हो? बॉस के कुत्ते को सैर कराने। आजकल कुत्ते की कीमत आदमी से भी ज्यादा हो गई है। टाइगर रुको। रुको। तुम्हारे कुत्ते ने हमारी बिल्ली को खदेड़ा। क्या तुम मुझे यह बताना चाहते हो कि कुत्ते को 10 मिनट सैर कराने से तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? क्या लोगे? श्रीमान जी, मैं डूम एंड डूम कंपनी का सेल्समैन हूँ। यह आकर्षक टेबल लैंप लाया हूँ। नहीं चाहिए। यह किताबें खरीद लीजिए, 30% डिस्काउंट और साथ में सेफ्टी रेजर मुफ्त। कह दिया ना कि नहीं चाहिए। तो फिर ये मसूड़ों को तंदुरुस्त रखने वाले टूथब्रश ले लीजिए। इकट्ठे 2 टूथब्रश खरीदने पर यह रबड़ की गुड़िया बिल्कुल मुफ्त। तुम ऐसे पीछा नहीं छोड़ोगे? नाराज ना होइए, मेरे पास एक और लाजवाब चीज है, वह आपको जरूर पसंद आएगी। वह क्या है? हर तरह के फर्श साफ करने वाला आधुनिक नायलोन का ये झाड़ू। सचमुच ये मेरे काम की चीज है, लाओ। निकलो मेरे घर से। जायकेदार भोजन। कमली, बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ। क्या खाओगी? कुछ भी, लेकिन मैं एक सेकंड की देर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या पनीर कोफ्ता खाओगे? पनीर कोफ्ता, वाह, लाओ। अगर शाही मटन मिल जाए तो? फिर तो क्या ही कहने। हैदराबादी बिरयानी कैसी रहेगी? बिरयानी, सचमुच लुत्फ आ जाएगा। क्या बटर चिकन चलेगा? चलेगा, अरे दौड़ेगा। लो। यह क्या, तुम नाम तो ले रही थी मटन बिरयानी चिकन का और लाई हो मूंग की दाल। जब तक दाल पकती तुम्हारा मन तो बहलाना था ना। बदले में। रमन, क्या मैं एक टेलीफोन कर सकता हूँ? कर लो मोगा सिंह।
हेलो, टीटू ते टीटू दी माँ दोनों चंगे ने। धन्यवाद। पड़ोसी मोगा सिंह से एक कप चीनी ले आओ। क्या वो देगा? देगा क्यों नहीं, क्या वह हमारा फोन इस्तेमाल करके नहीं गया है? मोगा सिंह, एक कप चीनी चाहिए। रमन से इसमें चावल ले आओ। वो दे देगा? क्यों नहीं, क्या वह हमसे चीनी लेकर नहीं गया? चावलों के लिए धन्यवाद। चाय नहीं बनी? गैस खत्म है। चाय बनानी है, गैस खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, हमारी गैस इस्तेमाल कर लो। वो तो हमारा गैस सिलेंडर ही उठा कर ले जा रही है। निशाना। आदर्श बीवी। बड़े मियाँ, आपकी बेगम दिखाई नहीं दे रही। वह कहाँ से दिखाई देगी, मैं तो कुंवारा हूँ। मतलब आपने अभी तक शादी नहीं की? कैसे करता, जब मैं जवान था तो मैं चाहता था किसी ऐसी औरत से शादी करूं जो हर लिहाज से आदर्श हो। कई साल बीत गए ऐसी खातून ढूंढते ढूंढते, कोई बातूनी थी तो कोई खर्चीली, कोई फूहड़ थी तो कोई डांट डपट वाली। ढूंढते ढूंढते अरसा बीत गया, आखिर 60 बरस की उम्र में एक औरत ऐसी मिली जो हर लिहाज से आदर्श थी। क्या आपने उससे शादी कर ली? नहीं, वह एक आदर्श पति की तलाश में थी। रमन का पर्स। वाह, मैंने उस बाबू का पर्स मार लिया। झब्बू, वो पर्स मेरे हवाले करो, ये मेरा इलाका है, यहाँ की गई हर चोरी पर मेरा हक है। चल हट परे हो, मेहनत मैंने की और हकदार ये आ गया। तुमने मुझे चैलेंज किया, मुझसे भिड़न तुम्हें महंगी पड़ेगी। ओह, अर ये तुम दोनों में से किसी का नहीं है, मेरा है। ज्यादा चूं चपड़ की तो पुलिस को बुला लूंगा। ध्वजारोहण। मिनिस्टर अभी तक सो रहा है? अरे उठो, क्या जानते नहीं आज 15 अगस्त है, आजादी का दिन। जानता हूँ, आज छुट्टी भी है। तुम्हें जाकर तिरंगा झंडा फहराना है, पब्लिक मीटिंग में भाषण देना है। जानता हूँ, मिनिस्टर हमेशा पब्लिक मीटिंग में देर से पहुँचते हैं। जनता का काम है उनका इंतजार करना, जल्दी पहुँचने से महत्व कम हो जाता है। ड्राइवर, आराम से गाड़ी चलाओ, कोई जल्दी नहीं है। अरे, बिना मुझसे ध्वजारोहण करवाए लोग चले गए। जब आप काफी देर तक नहीं आए तो जनता ने किसी दूसरे मिनिस्टर को बुलाकर ध्वजारोहण करवा लिया। बेचारा रेफरी। खलीफा का बकरा।
रमन, मैं एक दिन के लिए अलीगढ़ जा रहा हूँ। मेरा बकरा तब तक तुम अपने पास रख लो। ये क्या मुसीबत तुमने गले बांध ली? कमली, खलीफा अपना पुराना दोस्त है, फिर एक दिन की ही तो बात है। कहाँ गया बकरा? ओह, इसने मेरे जॉर्जेट की नई साड़ी चबा डाली। मैं इसे बाहर लॉन में बांध देती हूँ। ओह, वो मेरा गुलाब का पौधा खा गया। लॉन में कमबख्त मेरे दूसरे पौधे भी खा जाएगा, इसे अंदर ही बांधना ठीक रहेगा। मैंने अभी फर्श धोया था, बकरे ने चारों तरफ मींगने फैला दी। शाम को अलीगढ़ से खलीफा का फोन है, कहता है बकरे को प्यार से रखना, उसे अलीगढ़ में हफ्ता भर रहना पड़ गया है। हाँ? चंदे की राशि। बाढ़ के कारण काफी लोग बेघर हो गए हैं, उनकी सहायता के लिए चंदा इकट्ठा करके हम पुण्य का काम कर रहे हैं। एक एक रुपया इकट्ठा करने में बहुत देर लग जाएगी, क्यों न हम उस बैंक में जाएं? वहाँ से हमें चंदे की बड़ी राशि मिल सकती है। तुम ठीक कहते हो। बैंक में तो डाका पड़ गया। इधर दो ये डब्बा, बोले तो गोली मार दूंगा। यह तुम्हारा ही आइडिया था बैंक से बड़ी राशि लेने का, चंदे का डब्बा भी गया। दिवाली के पटाखे। फुलझड़ियां, रॉकेट, एटम बम, चक्री, अनार। अंकल जी, इतनी सारी आतिशबाजी कुछ यहाँ भी चलाकर दिखाइए। नहीं, ये सब मैं घर जाकर चलाऊंगा। ओह, जलती मोमबत्ती गिर गई। वाह, आतिशबाजी का क्या नजारा बंधा था। टपकती छत। कमली, बारिश होने लग गई है। अब हम रात कहाँ बिताएंगे? हमारी छत टपकती है, रात भर नींद नहीं आएगी। आज की रात हम अपने दोस्त गप्पू के यहाँ सो जाते हैं। ठीक है। गप्पू, हमारा घर टपकता है, क्या रात को हम तुम्हारे यहाँ काट लें? रोमन, मैं खुद तुम्हारे यहाँ रात बिताने आने वाला था। क्यों? हमारा घर न केवल टपकता है बल्कि नालियाँ भी ब्लॉक हैं। बेलन की मार। तुम्हारी जेब में जो कुछ है निकाल कर रख दो, नहीं तो। मैंने कहा सुनते हो, खाना तैयार है, आकर खा लो। तुम जरा भी बोले या हिले डुले तो गोली मार दूंगा। क्या सुना नहीं, कब से चिल्ला रही हूँ, खाना तैयार है। तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरी बात का जवाब तक नहीं देते। कमली, तुम्हारे बेलन ने मुझे बचा लिया।